हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम संतोष कुमार है मैं क्वालिफिकेशन में सीए और सी ए हूँ मैं लिखता हूँ आपके साथ यहाँ पे संतोष कुमार मेरा नाम है सीए एंड सी ए देखो आप एलेवेंथ क्लास पढ़कर आप ट्वेल्थ क्लास में एंट्री करने वाले हैं एलेवेंथ क्लास में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कॉन्सेप्ट अगर हमारे तरीके से क्लियर नहीं है तो ट्वेल्थ क्लास में अच्छे मार्क्स लाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है बच्चे हमने बहुत सारी चीज़ें रटी हुई हैं सॉरी एलेवन क्लास में बहुत सारी चीज़ें रटी हुई हैं अगर उन चीज़ों को हम तरीके से अगर नहीं समझते हैं तो ट्वेल्थ क्लास में अगर हमारा सपना हंड्रेड मार्क्स लाने का अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ तो इतना आसान नहीं हो जाएगा मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है एक बार चेक करते हैं कि जो चीज़ें मैं आज आपके साथ लेके चल रहा हूँ एक बेसिक बात करूँगा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या आपको ये ऑलरेडी पता है अगर आप भी जानते तो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर ये आपको ठीक से नहीं पता तो आपको ये पहले जानना पड़ेगा अगर अकाउंट्स में प्रॉपर तरीके से मास्टरी करना चाहते हैं तो आज मैं आपके किसी चैप्टर को टच नहीं करूंगा कोई चैप्टर नहीं एक बार देखता हूं कि जो 11 क्लास में हमने एक साल जो जो मेहनत मेहनत किया उस से जो हमने अल्टीमेट कॉन्सेप्ट निकाला वो कॉन्सेप्ट हमारा कितना स्ट्रॉग है अगर वो स्ट्रॉग है तो बहुत अच्छी बात है अदरवाइज थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बच्चे एक घंटा आज का एक घंटा जो है वो सिर्फ आपके साथ हम आपके उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में डिस्कशन करेंगे आइए जरा आज मैं रिपीट कर रहा हूँ कोई भी आपके साथ यहाँ पे मैं बड़ी बातें नहीं करूँगा छोटी छोटी बातें करेंगे हम बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे पता है आपको भी पता होगा कि देखो पूरा का पूरा जो हमारा अकाउंट्स है वो मेनली पाँच वर्ड पर टिका हुआ बच्चे पाँच वर्ड आपको पता है ना एक वर्ड आपके होते हैं एसेट्स नाम सुना आपने ना सर हाँ जी सर हमने नाम सुना हुआ है एक नाम होता है जी आपका कैपिटल सर ये भी जानते हैं हम तो अच्छा गुड सर एक नाम लाइवलिटी होता है सर ये भी सुना हुआ है मैंने कहा, कहा कि आपने नहीं सुना हुआ है आप तो सब कुछ जानते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा आपके साथ एक वर्ड आपने सुना होगा यहाँ पे एक्सपेंसेज नाम सुना आपने जी सर हमने ये भी सुना हुआ है और एक वर्ड आपने सुना होगा जी इनकम सर हाँ जी सर हमने ये भी सुना हुआ है देखो तो पांच वर्ड हमारे पास है जरा एक बार फिर से देखते हैं कि हमें कितना आता है आप जरा मुझे बताओ कि एसेट्स किसको बोलते हो आप जरा बताइए एसेट्स किसको बोलते हैं सर करंट uh, असेट्स है फिक्सट है दो तरीके के होते हैं मैं वो थोड़े पूछ रहा हूं बच्चे मैं पूछ रहा हूं कि आप इनको ये जो करंट असेट फिक्स बोला इसके पहले एक नाम आ गया एसेट्स उनको एसेट्स क्यों बोलते हैं आप सर वो मशीन है बिल्डिंग है फर्नीचर है डेटर्स है कैश है प्रीपेड एक्सपेंसिज है बहुत सारे नाम होते हैं सर सारे एसेट्स होते हैं मैं फिर से ये थोड़े पूछ रहा हूँ आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपने जितने सारे नाम आपने लिए हैं इन सारे नाम को आप एसेट्स क्यों बोलते हो मेरा सवाल सिर्फ इतना है सर ये तो हमने सुना ही नहीं था सोचा नहीं था छोड़ो ना टफ क्वेश्चन हो गया मैं सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ आप जरा मुझे बताओ, क्या बोलते हो ना हाँ एक और भी नाम था जी डेप्रिशिएशन आपने इसको भी एक्सपेंस कहा था आपसे मुझे इतना बताइए कि आप इन सभी नाम को एक्सपेंस क्यों बोलते हैं क्यों रेंट को सैलरी को वेजेज को एक्सपेंस बोलते हैं सर ये ये तो दे मतलब भाड़ा पे किया लाइफ में एक बार डे टू डे नहीं कर रहा बच्चे रोज नहीं कर रहा क्या ये मेरा एक्सपेंस नहीं है सर हाँ ये जो भाड़ा पे किया वो भी एक्सपेंस आपका है तो मैं वही तो पूछ रहा हूं फिर एक्सपेंस बोलते किसको है आप कैसे डिफाइन करोगे इन वर्ड को आपका सर ये तो हमने सोचा नहीं था चलो छोड़ो ना टफ क्वेश्चन हो गया बच्चे मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ आप जरा मुझे बताओ कैपिटल किसको बोलते हैं ये तो बता दो तो ये तो पता होगा आपको सर कैपिटल का मतलब होता है कि जो अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट किया है ओनर ने बिजनेस कैपिटल बोलते हैं आपने बिल्कुल ठीक बोला ठीक है मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल में आता हूँ बच्चे मैं कुछ निकाल लो पॉकेट से आपके लिए हाँ जी सर पैसे ही है तो हाँ जी बच्चे ये देखो जरा आप यहाँ पे ये देखो आप मान लो ये पांच लाख रुपये की गड्डी है दिख रही है ना आपको सर हाँ जी ये मान लो पांच लाख की गड्डी है अब ये पांच लाख रुपए मान लो आपके पास है और आप एक ओनर हो मैं एक बिजनेस हूं आपने मुझे क्या क्या स्टार्ट किया रिपीट कर रहा हूं आप एक ओनर हो आपके हाथ में मान लो पांच लाख की गड्डी है मैं एक बिजनेस हूं आपने मुझे स्टार्ट किया आपने क्या क्या ये पांच लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया ये पांच लाख रुपए मान लो पांच लाख की गड्डी है ओनर ने यानी कि आपने बिजनेस में लगाया जरा बताओ जिस पांच लाख को ओनर ने बिजनेस में लगाया ये पांच लाख पांच लाख मान लो ये ये कैपिटल है कि नहीं सर हाँ यही तो कैपिटल है यही तो कैपिटल है नहीं बच्चे आप गलत जवाब दे रहे हैं अगर आप इसको कैपिटल बोल रहे हैं बट ये तो कैश है आप देखो ये पांच लाख की गड्ढे की बात मैंने की थी ये तो कैश आपका है और शायद आप भूल रहे हैं कि कैश जो होता है ना वो हमारा एसेट्स होता है बच्चे एसेट्स होता है मैं तो आपसे कैपिटल के बारे में पूछ रहा हूं कि कैपिटल क्या होता है सर हमने इस तरीके से तो कभी सोचा नहीं था ये सोचना होगा अगर हमारा मोटिव है बहुत अच्छे मार्क्स को लेकर आना अगर हम अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं अगर हमारा टारगेट है हम बड़े CA, कुछ CA कुछ CS कुछ ऐसा करे, करें करें बड़ी डिग्री तो आपको इस बात समझना ही होगा बच्चे इसके बिना अकाउंट्स नहीं चलता फिर तो रटाफिकेशन आपका है आपने रटा हुआ है आइए मैं आपको समझाता हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में इन पांचों वर्ड का क्या मतलब होता है अगर इस पांच वर्ड में कमांड हो गया तो कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जो आपको परेशान करेगा आपको कई सारे चैप्टर परेशान करते थे ग्यारहवीं क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज था आप याद कीजिए एनपीओ था, था। तो तो। यहां पर देखते हैं पांच वर्ड का मतलब क्या होता है ठीक है ना हाँ जी सर शुरू करवा देखो जी कोई भी आपसे पूछे ना कि एसेट्स क्या होता है एक बहुत सिंपल तरीके से आप बिना एग्जाम्पल बताए बगैर कि कोई भी ऐसा वैल्यू जिसका बेनिफिट आपको आने वाले फ्यूचर में मिलता है फ्यूचर भविष्य बच्चे कोई भी चीज जो आपको कल बेनिफिट देगा फ्यूचर का मतलब क्या होता है आगे आने वाले समय में चाहे वो समय एक दिन के बाद हो चाहे वो एक साल के बाद हो चाहे एक महीने के बाद हो फर्क नहीं पड़ता कोई भी चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा वो सारे हमारे होते हैं आप दुनिया की कोई भी चीज देखो कोई भी चीज जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देता है ना बच्चे हम उन्हीं को एसेट्स बोलते हैं अब देखो ना मशीन हो गया टूल्स हो गया इक्विपमेंट हो गया बिल्डिंग हो गया फर्नीचर हो गया कैश हो गया बैंक जो बैंक में पैसे पड़े हुए सारे हमारे क्या होते हैं एसेट्स होते हैं क्यों क्योंकि इन सब का बेनिफिट आप फ्यूचर में लेते हैं बच्चे फ्यूचर में लेते हैं आपका सर बताओ ना फिर एक्सपेंस क्या होता है बड़ी सिंपल सी बात है कहते हैं कोई भी ऐसा वैल्यू जिसका बेनिफिट जिसका बेनिफिट आप ऑलरेडी ले चुके हैं ऑलरेडी टेकन अगर आप किसी चीज का बेनिफिट आप ऑलरेडी ले चुके हैं ऑलरेडी टेकन तो उसी को बोलते हैं बच्चे आपका एक्सपेंस सिंपल सी बात यार अगर फ्यूचर में कोई चीज़ आपको बेनिफिट देगा आप उसे कहना है कि वो आपका एसेट्स है और अगर आप उसका बेनिफिट ले चुके हैं अगर आप बेनिफिट ले चुके हैं तो आप बोलो कि वो आपका एक्सपेंस होता है इतनी सी फर्क निकल के आती है सर थोड़ा ठीक से समझाओगे क्यों नहीं मैं आपको समझाता हूँ बच्चे आपको समझाता हूँ

ये पांच वर्ड की स्टडी आपके लिए हो रही है या फिर कंपनी के लिए हो रही है कंपनी के लिए बच्चे आपके लिए नहीं ये पांचों अकाउंट्स जितना भी चलता है पूरा पूरा का पूरा पूरा का पूरा का कॉमर्स जो अकाउंट्स है वो किसी एक इंसान के लिए स्टडी नहीं होता है तो मैं एक कंपनी की बात कर रहा हूँ और इसके लिए पांच वर्ड का मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूँ ठीक है ना हाँ जी सर ठीक है तो पहले ध्यान रखना आप एक कंपनी हो आप अपने आप को अकाउंटेंट नहीं कहना आप कहना कि मैं इस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं आप एक कंपनी हो अच्छा मुझे ये बताओ ये महीना कौन सा चल रहा है बच्चे महीना सर महीना चल रहा है मार्च का ठीक है तो आप एक कंपनी हो मार्च का महीना मैं आपका एक एम्प्लॉय मेरा नाम मिस्टर ए है मैंने क्या किया पूरे मार्च के महीने में मैंने आपके पास काम किया पूरे महीने काम किया मैं रिपीट कर रहा हूं आप एक कंपनी हो मार्च का महीना है मैं मिस्टर ए आपका एक एम्प्लॉय मैंने पूरे मार्च के महीने आपके पास काम किया एंड में आया आके बोला कि देखो जी मैंने पूरे महीने काम किया मेरी सैलरी पे करो जरा बताओ आपने मुझे क्या पे किया रिपीट करता हूं मैं मिस्टर ए, आपका मैंने पूरे महीने काम किया एंड में आके बोला कि काम किया मेरी सैलरी पे करो जरा बताओ आपने मुझे क्या पे किया सर सैलरी पे किया गलत जवाब बचे अगर आप कहोगे सैलरी पे किया तो मैं आपसे पूछूंगा क्या आपने कभी सैलरी को देखा है लाल पीला हला करा कैसा होता आपका नहीं सर है, हमने कभी नहीं देखा मेरे बच्चे आपने सैलरी पे ही नहीं किया आपने तो कैश पे किया सोचो ना अगर मैं काम करके एंड में आता हूं बोलता हूं कि जरा बताओ जी मैंने काम किया मेरी सैलरी पे करो तो आपने यानी कि इस कंपनी ने क्या पे किया आपने कैश पे किया कैश मान लो आपने क्या किया टेन थाउजेंड यहां पर पे पे आपको पता है ना कि कैश आपका क्या होता है एक एसेट्स होता है कैश आपका एसेट्स होता है लेकिन पता बचे जब आप इस टेन थाउजेंड को आप मुझे पे करोगे तो आपसे अकाउंट्स पूछेगा कि आपने ये टेन थाउजेंड क्यों पे किया रीजन बताओ जरा बताओ आपने इस टेन थाउजेंड के बदले में मेरा मतलब मिस्टर ए का बेनिफिट ले लिया है कि अभी लेना है जरा बताओ आपने कहा गया आपने इस टेन थाउजेंड के बदले में मेरा बेनिफिट ले लिया कि अभी लेना है सर बेनिफिट ले चुके हैं तो पता है अगर आप इस टेन थाउजेंड के बदले में मेरा बेनिफिट ले चुके हो

कभी सैलरी बोलते हैं कभी कमीशन बोलते हैं कभी वेजेज बोलते हैं कई नाम से जानते हैं यहां हम इसको किस नाम से जानते हैं सर सैलरी के नाम से जानते हैं सैलरी के नाम से आपका तो देखो ना आपने पे क्या किया सर कैश पे किया ये अच्छा वर्ड है अगर आप कह दो कि आपने सैलरी पे किया तो गलत वर्ड होगा बच्चे आपने कैश पे किया क्यों पे किया रीजन बताओ तो जब रीजन की रिकॉर्डिंग करते हो ना तो कहते हो कि हाँ जी मेरी सैलरी एक्सपेंस यानी कि एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड किया आपका आपको पता है ना अकाउंट्स काम करता है डुबल एंट्री सिस्टम पे डबल एंट्री सिस्टम

डुअल में जब भी कुछ आपके बिजनेस में आता या जाता है तो उसके पीछे का आपको रीजन बताना पड़ता है कि आखिर ये पैसा क्यों गया तो देखो ना जो कैश आपने यहां है उसके पीछे का रीजन आपने क्या रिकॉर्ड किया कि मेरा एक्सपेंस हो हो गया आपका हो गया सैलरी सैलरी आपका बेनिफिट ले चुके आप तो मैंने कहा कि देखो अगर कोई आपसे पूछता है ना कि एक्सपेंस क्या होता है कहना कि बेनिफिट लेना एक्सपेंस आपको होता है, लेना होता है, अगर बेनिफिट ले चुके तो एक्सपेंस आपका हो चुके सर थोड़ा और डिटेल में समझाओगे क्यों नहीं जरा एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं बच्चे एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। जरा मुझे आप बताओ कि आप कौन हो सर मैं चल रहा है आपका एक एम्प्लॉय मैं आपके पास काम करता हूं मैंने क्या किया पूरे मार्च के महीने मैंने आपके पास काम किया पूरे महीने आपके पास काम किया एंड में आपके पास आया आकर बोला देखो जी पूरे महीने काम किया मेरी सैलरी पे करो लेकिन मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि अगला महीना अप्रैल का है अप्रैल का मैंने अभी तक तो काम नहीं किया लेकिन मुझे पैसे की जरूरत है मेरे घर में कुछ काम है मैंने आपसे बोला कृपया करके अप्रैल का जो सैलरी है ना मुझे अभी पे कर दो तो पता आपने क्या किया बच्चे टेन थाउजेंड आपने मार्च का और टेन थाउजेंड अप्रैल का मुझे टोटल जो आपने कैश पे किया वो ट्वेंटी थाउजेंड पे किया कि ये देखो ना आपके पास यानी कि आयो सिम से बीस हजार रुपए आपने क्या हुआ जी कैश पे कर दिया कैश जो कि आपका एक एसेट्स होता है एक एसेट्स होता है यही पे किया आपने सर हाँ जी जरा मुझे ये बताइए कि चलो बीस हजार रुपए आपने पे किया समझ में आता है लेकिन आपका एक्सपेंस कितना हुआ जरा मुझे बताओ एक्सपेंस कितना हुआ सर एक्सपेंस ट्वेंटी का पेमेंट किया है बीस हमारा एक्सपेंस हो गया नहीं बच्चे आप शायद बोल रहे हैं मैंने एक्सपेंस का मतलब क्या बताया था मैंने कहा था जिस वैल्यू का बेनिफिट आप ऑलरेडी ले चुके आउट ऑफ ट्वेंटी का लिया है सर बेनिफिट तो थाउजेंड का लिया है अच्छा बीस हजार रुपए हमने पे किया ठीक है लेकिन एक्सपेंस ट्वेंटी थाउजेंड नहीं हुआ एक्सपेंस वही रिकॉर्ड किया जाएगा जिसका आपने बेनिफिट लिया यानी कि जब डबल एंट्री सिस्टम में आप इस पैसे के जाने के पीछे का रीजन रिकॉर्ड करेंगे उस रीजन में आप टेन थाउजेंड ही कहेंगे कि हमारा पे एक्सपेंस हो चुका है आपको पता है ना हम इसको यहां पे किस नाम से जानेंगे जी सर हाँ सैलरी के नाम से आपका सैलरी के नाम से आप मुझे बताओ ना जो पेमेंट आपने मुझे अप्रैल का किया है क्या आपने उसका बेनिफिट ले लिया है नहीं सर अभी तो इसका बेनिफिट लेना है इसका बेनिफिट लेना है और हमने क्या कहा था जिस वैल्यू का बेनिफिट अभी आपको फ्यूचर में लेना है वो हमारा एक्सपेंस नहीं होता बच्चे वो हमारा एसेट्स एसेट्स आपका होता है, होता है है तो पता है जो टेन थाउजेंड का पेमेंट आप मुझे अप्रैल का कर चुके हो वो टेन थाउजेंड अभी आपका एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होगा वो टेन थाउजेंड आप यहाँ पे अपना एसेट्स के नाम पर रिकॉर्ड करेंगे आप उसे कहेंगे कि ये आपका एसेट्स हो गया ये आपका एसेट्स हो गया पता है मैं इसको कभी सैलरी नहीं कहता बच्चे इसको सैलरी नहीं मैं इसे कहता हूं प्रीपेड सैलरी याद कीजिए प्रीपेड सैलरी इसको आप बैलेंस शीट में दिखाते हैं बैलेंस शीट में क्योंकि हमें इसका बेनिफिट लेना है तो हमने कहा ना एक्सपेंस का मतलब कभी पैसा पे करना नहीं होता एक्सपेंस का मतलब होता है बेनिफिट लेना अगर आप बेनिफिट ले चुके हैं तो आपका एक्सपेंस हो चुका अगर आपने बेनिफिट नहीं लिया तो आपका वो एक्सपेंस नहीं होगा वो आपका एसेट्स रिकॉर्ड किया जाएगा अच्छा सर ये तो बात समझ में आ गई ये तो बात समझ में आ गई नहीं बच्चे अभी भी समझ में नहीं आई एक सवाल है आपसे जरा मैं पूछता हूं देखता हूं कि आप उसका जवाब दे पाते हैं मैं ये बात जो अभी सवाल पूछने वाला हूं ये सिपटी में कभी क्वेश्चन आया था बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया में रेयरली किसी बच्चे ने क्वेश्चन सोल्व किया था मुझे विश्वास है आप पे भी आप भी इसका गलत ही जवाब देंगे विश्वास नहीं तो आइए मेरे साथ देखिए मैं यहाँ पे क्या बताता हूँ जरा मुझे आप बताओ मैं इसको थोड़ा सा मिटा दू थोड़ा सा ताकि मैं साफ लिख रहा हूं यहाँ पे डॉ जी हाँ जी चलिए मैं इसको मिटाता हूँ मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ देखता हूँ दे दे मुझे विश्वास है कि आपका गलत ही होगा जरा सुनना एक ही बार दोबारा नहीं आप आप कौन है सर, है सर ठीक एक कंपनी हो ये महीना कौन सा चल रहा है सर मार्च का महीना चल रहा है मार्च का महीना मैं कौन हूँ मिस्टर ए आपका एक इम्प्लॉ देखो मैंने पूरे महीने आपके पास काम किया पूरे महीने काम किया एंड में आपके पास आया आगे बोला कि देखो जी मैंने पूरे मैंने काम किया मेरी सैलरी पे करो आपने बोला सर काम किया ठीक है बट अभी पैसे नहीं है कुछ दिनों के बाद आना आपका पेमेंट कर दूंगा मैं रिपीट करता हूं बच्चे चलो एक बार बोल ही देता हूं मैं आपका इंप्लॉई मैंने पूरे महीने काम किया एंड में आके बोला कि काम किया मेरी सैलरी पे करो आपने बोला सर काम किया ठीक है बट अभी पैसे नहीं है कुछ दिनों के बाद आना आपका पेमेंट कर दूंगा जरा मुझे ये बताओ कि आपने यहां कुछ पे किया बच्चे कुछ पे किया नहीं सर हमने पेमेंट तो नहीं किया मुझे बताइए कि आपका एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ ध्यान से मैंने पूरे मैंने काम किया एंड में आके बोला कि काम किया मेरी सैलरी पे करो आपने बोला सर काम किया ठीक है बट अभी पैसे नहीं है कुछ दिनों के बाद ऑन आना मैं आपका पेमेंट कर दूंगा ध्यान रहे आपने मुझे यहाँ पेमेंट नहीं किया मैं पूछ रहा हूं कि आपका एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ सर एक्सपेंस तो नहीं हुआ पेमेंट कहाँ हुआ है आप कैसी बात कहते हो अरे कैसी बात कहते हो मैंने कहा, कहा लिखा था कि पेमेंट करना एक्सपेंस होता है लिखा था बच्चे कहीं पे मैंने कहा था बेनिफिट लेना एक्सपेंस होता है आप मुझे यह बताइए कि आपने मेरा बेनिफिट लिया कि नहीं लिया सर बेनिफिट तो ले चुके हैं अगर आप मेरा बेनिफिट ले चुके हो चाहे पेमेंट हो चाहे पेमेंट ना हो आप अपने अकाउंट्स में यहां पे टेन थाउजेंड से यहां पे सैलरी आप रिकॉर्ड करोगे बच्चे ये आपका एक्सपेंस हो चुका है एक्सपेंस हो चुका है क्योंकि आपने बेनिफिट ले लिया बेनिफिट लिया हाँ जरा मुझे बताओ आपने पेमेंट किया नहीं सर हमने पेमेंट नहीं किया अगर आप पेमेंट कर देते तो आपके पास से यानी कि कंपनी के पास से कैश चला जाता अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो पता बचे आपके ऊपर में एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया कि मुझे पेमेंट करना है जब भी आपके ऊपर में कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है ना उस ऑब्लिगेशन को ये बोलते हैं हम लाइबिलिटी आपका यानी ऑब्लीगेशन जो होते हैं obligation हम उनको लाइबिलिटी के रूप में रिकॉर्ड करते हैं आपको वो हमारी लाइबिलिटी गई आप पता फिर क्या करेंगे यहां पे अपना टेन थाउजेंड से अकाउंट्स में आप अपनी लाइबिलिटी को बढ़ा देंगे लाइबिलिटी आप यहां बढ़ा देंगे अब देखो ना कोई मुझे बताएगा कि liability का नाम क्या है सर मिस्टर ए मिस्टर ए ठीक है तो लिखो फिर यहां पे कि आपने ए का पेमेंट करना है एक्सपेंस तो होगा एक्सपेंस होगा क्योंकि आप बेनिफिट ले चुके हैं याद कीजिए जब आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा था क्लास में और जब आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बनाया था उस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सैलरी जो पे हो गया वो भी लिखा करते थे आप अगर आपको याद हो तो और जो सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग है पे करना वो भी ऐड करते थे बच्चे क्योंकि वो भी एक्सपेंस है बेनिफिट आप ले चुके हैं एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया हाँ अगर पेमेंट कर दिया तो कैश आएगा अदरवाइज क्या लाइब्रेटी के नाम को बढ़ा देंगे मुझे पेमेंट करना है आपने क्या क्या एक नाम रिकॉर्ड किया लेकिन सोचो ना मैं मैं बात करता हूँ टाटा कंपनी का मैं बात करता हूं रिलायंस कंपनी का मैं बात करता हूं विप्रो कंपनी का आप मुझे बताइए कि इन कंपनी में क्या एक ही इंप्लॉय काम करते बच्चे एक ही इंप्लॉय काम करते नहीं सर यहां तो लाखों इंप्लॉय काम करते आप जरा सोचो ना अगर लाखों इंप्लॉय का कुछ कुछ अमाउंट पे करना अगर बकाया है तो आप कितने लोगों के नाम को लिखोगे मान लो ए बी सी डी सबका पेमेंट करना बकाया जाए तो कितना लंबा काम हो जाएगा आपको जनरल एंट्री भी बनाना है

एक्सपेंस कौन सा सैलरी ना तो आप उसे कह देना आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट काम खत्म हो गया काम खत्म हो गया ये आपका एक्सपेंस है आपने सैलरी जो रिकॉर्ड किया बच्चे वो आपका एक्सपेंस है लेकिन जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये तो वो लोग है जिनका पेमेंट करना है ये हमारी लाइब्रिटी होती है बच्चे आपका कोई पूछ लेना कि चलो बताओ जी सैलरी और आउटस्टैंडिंग सैलरी में क्या फर्क है आप उनको समझाना कि सैलरी जो है ये तो नोमिनल अकाउंट है नोमिनल अकाउंट

कि कोई पूछे अब आपसे कोई पूछता है कि जरा तो भी एक्सपेंस है, है. नहीं पेमेंट किया, मतलब किया तो भी एक्सपेंस तो क्या फर्क पड़ता है हमने बेनिफिट तो ले लिया बच्चे तो बेनिफिट लेना एक्सपेंस होता है अगर मैं थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करूं तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे आपका मैं कुछ लिख रहा हूं एक्सपेंस के बारे में हम जब अगली क्लास में आपके साथ आएंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको टाइम देंगे कि कैसे कैसे आपको लिखना है मेरे साथ क्लास चलेगी मैं बोलते चलूंगा आपको लिखते चले जाना है बट अभी फर्स्ट क्लास में समझ रहे इसके बारे में कहते हैं कि वैल्यू जिसका बेनिफिट ले चुके उसको एक्सपेंस बोलते हैं फिर हमने समझाया इट डज नॉट मैटर इट डज नॉट मैटर ये मैटर नहीं करता वेदर डब्ल्यू एच ई टी एच ई आर वेदर पेमेंट हैज बिन मेड और नॉट पेमेंट हैज हैज हैजिन

आपका फ्रिज आपका ए आपका घर आपका सब कुछ वो सारे सेट्स होते है ना क्योंकि हम उसका क्या करेंगे अभी बेनिफिट लेंगे जी हां जिस वैल्यू का बेनिफिट हम ले चुके हैं चाहे पेमेंट हो चाहे पेमेंट ना हो उसको हम क्या बोलेंगे एक्सपेंस बोलेंगे आपका वही बात तो बताया आपको यहां पे दो वर्ड का हम निकल के आया जरा सोचो कहा कुछ टफ है जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा उसको हमें सेट्स बोलेंगे और जिनका बेनिफिट ले चुके एक्सपेंस आपने क्या क्या था एग्जाम्पल रटा था कि यार मशीन होगा बिल्डिंग होगा मैं उनकी बात ही नहीं करता अभी अब छोटे बच्चे हैं थोड़े बड़े हो जाएंगे अकाउंट्स और एडवांस होगा वहां पे प्रॉपर तरीके से आपको वर्ड्स को इंटरप्रेट करना पड़ेगा तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक तो दिक्कत आएगी बच्चे आपका मैं उसी पे चल रहा हूं एसेट्स मतलब जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा और जिसका बेनिफिट ले चुका हां चाहे पेमेंट हो चाहे पेमेंट ना हो हम उसको एक्सपेंस बोलेंगे आपका ठीक है ना सर हाँ जी ये तो ठीक है सर तीसरे वर्ड पर आ जाओ तीसरा वर्ड आइए मैं कैपिटल की बात करता हूं पहले मैं इसको मिटा दू मैं इसको मिटा देता हूं पहले यहाँ से ताकि थोड़ा साफ सुथरा पे कैपिटल बच्चे आपका देखो आपका बोलना क्या था मेरा बोलना क्या था आपने कहा था कि सर ये कैपिटल है याद है ना आपको कि अगर ये पांच लाख रुपए ओनर ने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया तो आपने कहा था कि सर ये कैपिटल है मैं कहता हूं गलत है है ये ये कैपिटल नहीं है बच्चे ये तो कैश है कैश जिसको हम क्या बोलते हैं आपका एसेट्स बोलते हैं आइए मैं आपको समझाता हूं एक्जैक्टली कैश का मीनिंग क्या होता है थोड़ा सा दिमाग को बिल्कुल स्लोली मेरे साथ लेकर चलेंगे और इंटरप्रेट करेंगे वर्ड्स को कैसे निकल के आपको आता है ठीक है ना आइए मैं ना आपको एक काम करता हूं एक बैलेंस शीट दिखाता हूं ये बैलेंस शीट है बच्चे बैलेंस शीट आपका है आस का आई एक कंपनी है इस कंपनी का एक बैलेंस शीट दिखा रहा हूं मैं ये रहा एक बैलेंस शीट और ये बैलेंस शीट बता रहा हूं आई का आपका यहाँ पे आई का ये लीजिए एक हमने फॉर्मेट बनाया ये आपका यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट आपके पास जरा समझते हैं यहाँ पे क्या निकल के आता है आप एक ओनर हो आपका नाम क्या है जी मान लो यहाँ पे आपका नाम है मिस्टर ए आपका नाम इसरे है आप एक ओनर हो और आपने इस कंपनी को स्टार्ट सेपरेट एंटिटी बच्चे सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है ओनर अलग होता है फर्म अलग होती है और जितने भी अकाउंटिंग होता है जो अकाउंट हम सीखते हैं वो सारी बातें फॉर्म के लिए सीखते हैं कंपनी के लिए सीखते हैं आपका आपके लिए नहीं आप एक अलग पर्सन हो जितनी बातें करूंगा जितनी बातें वो सभी इस कंपनी के लिए सोचना आप, लिए सोचना ना ना कि आपके जरा सोचो आपने क्या किया यानी कि मिस्टर ए ने क्या किया इस कंपनी को पांच लाख रुपए दिए मान लो लाख रुपए पता है जब पांच लाख रुपए ओनर यानी कि मिस्टर ए अगर इस कंपनी को कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ना तो आपके भी हाथ में ये कैश था आपके मतलब हाथ में क्या था ये कैश था और आयोसियम के हाथ में भी क्या बोला जाएगा जी ये कैश ही बोला जाएगा बच्चे अगर आप पांच लाख रुपए कंपनी में कॉन्ट्रीब्यूट करोगे तो कंपनी का कैश बढ़ेगा कैश यहां पे कंपनी क्या करेगी कैश बढ़ाएगी कितना जी मान लो पांच लाख रुपए का अमाउंट लाख रुपए कैश बढ़ेगा बच्चे यहां पे आपका ये कैपिटल नहीं है ये कैश बढ़ेगा आपका लेकिन जब कंपनी के पास कैश आएगा ना तो अकाउंट्स इनसे पूछेगा कि आप तो एक अलग पर्सन हो जी आपके पास ये पांच लाख रुपए कैश कहां से आया जरा आप बताओ तो आयोसीएम को इस बात को बताना होगा कि आपके पास ये पांच लाख रुपए कैश कहां से आया ने कहा कि देखो जी ये पैसा मुझे मेरे ओनर ओनर ने ने दिया है मालिक ने दिया है अकाउंट्स बोलता है कि आपको लिखना पड़ेगा कि ये पैसा आपने अपने ओनर, से लिया है। देखो ना, ओनर को ही थोड़ा रिस्पेक्ट देते हुए हम उनके नाम से नहीं पुकारेंगे बच्चे हम उनको क्या बोलेंगे कैपिटल कैपिटल यहां पर नाम लिखेंगे आपका और क्या बोलेंगे जी पांच लाख रुपए सर ऐसा क्यों होता है थोड़ा रिस्पेक्ट देने के लिए रिस्पेक्ट अब देखो ना

ओनर ने पैसा कॉन्ट्रीब्यूट किया तो कंपनी के पास कैश आएगा बच्चे कैश ये अगर आपके पास आएगा, तो आपको बताना पड़ेगा तो इस बात को लिखना पड़ेगा कि आपने अपना पैसा ओनर से लिया है तो इसी बात को बताने के लिए कि हमने पैसा ओनर से लिया हम क्या लिखते हैं अगर एक ओनर है तो हम क्या बोलते हैं कैपिटल आपका अब आप ट्वेल्थ क्लास में आ चुके हैं आप पढ़ेंगे पार्टनरशिप वहां पे दो पार्टनर होंगे तीन पार्टनर होंगे तो पता आप क्या बोलेंगे एज कैपिटल बीज कैपिटल सीज कैपिटल ए ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है बी ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है सी ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है अगर हम बात करते हैं आपका कंपनी का आप पढ़ेंगे कंपनी अकाउंटिंग बच्चे आपके पास वो भी है कंपनी अकाउंटिंग कंपनी में लाखों मालिक होते हैं कई करोड़ों लोग मालिक होते हैं इतने लोगों के नाम को हम कैसे लिख पाएंगे तो अकाउंट्स बोलता है कि फिर आप उनके नाम को मत लिखो

मिस्टर ए ने अपने घर की बिल्डिंग बिजनेस में डाला तो जरा बताओ कंपनी के पास क्या बढ़ा क्या बढ़ा कंपनी का हाँ जी सर ठीक बोला आपने कंपनी का बिल्डिंग बढ़ा बचे. मत कहना कि कैपिटल बढ़ा आप कहना कि बिल्डिंग बढ़ा एसेट्स बढ़ा बीस लाख रुपए की मान लो यहां पे बिल्डिंग आ गई अगर ओनर ने अपना बिल्डिंग बिजनेस में डाल दिया तो बिजनेस का तो बिल्डिंग ही बढ़ेगा एसेट्स आपका है लेकिन हाँ अब जरा मुझे ये बताओ कि ये जो 20 लाख रुपए की बिल्डिंग इनके पास आई है मुझे बताइए कि सिम के पास वो 20 लाख की बिल्डिंग, बिल्डिंग आपने ओनर से लिया है तो ओनर का जो क्लेम अभी पांच लाख रूपये था ना बच्चे बढ़ के हो जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव कि देखो जी मैंने 25 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए आप समझते क्यों नहीं मैं कहता हूं कि कैपिटल जो है ये कोई कैश नहीं है ये कोई बिल्डिंग नहीं है ये तो ओनर का क्लेम है कि बिजनेस में जितनी भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में ओनर ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया हम उसको कैपिटल बोलते हैं आपका इतनी ही से बात कर रहा हूं और कुछ भी नहीं थोड़ा और समझाता थोड़ा और अब देखो ना आईओसएम को मान लो दस लाख रुपए और चाहिए इनके ओनर के पास पैसा नहीं है जी तो क्या आईओसएम बंद हो जाएगा नहीं सर ये एक अलग कंपनी है एक अलग फर्म है ये ये कहीं से पैसा ले सकता है IOCM ने क्या किया बैंक के पास गया और बैंक से जाके दस लाख रुपए का लोन लिया आप मुझे बताओ अगर IOCM, ये कंपनी बैंक से जाके दस लाख का लोन लेगा तो कंपनी के पास क्या आएगा हाँ जी कैश आएगा बच्चे लोन नहीं कहना गलत वर्ड हो जाएगा आया क्या कैश ही तो आया लोन होगा तो भी पैसे ही तो आएंगे तो उस केस में जो पांच लाख रुपए कैश था अगर मान लो हमने दस लाख रुपए का लोन ले लिया तो कैश बढ़ के कितना हो गया पंद्रह लाख रुपए हुआ ना बच्चे सर हां जी अच्छा मुझे बताओ, ये 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 बताओ जो लाख का अभी अभी कैश कैश आया है है कंपनी को क्या ओनर ने दिया है? नहीं सर ये पैसा तो ओनर ने नहीं दिया किसने दिया सर बैंक वाले ने तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कि अभी अभी जो टेन लाख से कैश आपका बढ़ा है ये पैसा उनके ओनर नहीं बैंक वालों ने दिया है या तो आप बैंक वालों का नाम लिखो जी एच बैंक लिख दो या दो बैंक लोन या कुछ भी लिखो लेकिन आपको बताना होगा कि ये पैसा हमने क्या किया जी आपका यहाँ पे बैंक वालों से लिया आपका बैंक लोन के नाम से रिकॉर्ड करना पड़ेगा अमाउंट कितना हो गया जी मान लो यहां पर दस लाख का यही बातें कर रहे हैं ना अरे अगर आपके पास देखो आयुसएम के पास टोटल प्रॉपर्टी कितने की होगी सर पंद्रह और बीस मिलकर पैंतीस लाख रुपए की प्रॉपर्टी होगी ठीक है पैंतीस लाख की प्रॉपर्टी देखो हम कैसे बैलेंस शीट को पढ़ते हैं

अगर आठ लाख रुपए का मशीन परचेज कर लिया तो फिर क्या होगा सर उस केस में कैश आपका आठ लाख से कम हो जाएगा तो कैश कितना हो गया सात लाख रुपए क्या बढ़ जाएगा यहां जाएगा आप बताइए मशीन कितने का बढ़ गया आपका लाख रुपए का मुझे बताओ ना क्या इससे अगर हम कैश से मशीन परचेज कर लें तो इससे क्या कोई क्लेम पे इंपैक्ट पड़ेगा नहीं सर क्लेम तो सेम रहेगा क्योंकि आज भी ओनर ने पच्चीस लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किया है और आपने जी दस लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किया ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है कंपनी की कंपनी अपने प्रॉपर्टी को किसी भी रूप में कन्वर्ट करे हमें फर्क नहीं पड़ता हमने तो अभी भी कहना कि भैया मैंने पच्चीस लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किया है और आपने दस लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किया है पता है मैं क्या बोलना चाहता हूँ कोई पूछना कि कैपिटल को क्या ठीक से डिफाइन कर सकते हो तो आप बोलना हाँ क्यों नहीं देखो मैं क्या लिखूंगा कैपिटल के बारे में कोई पूछे कैपिटल क्या है तो आप बोलना ये क्लेम है क्लेम ऑफ ओनर ओनर इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस बिजनेस में जितने भी प्रॉपर्टीज हैं जितने भी आपके एसेट्स हैं उन टोटल असेट्स में ओनर का क्लेम कितना उसको कैपिटल बोलते हैं सर लाइब्रेटरी क्या होगा एक तो देखा था जी आपने ऑब्लिकेशन देखा था ना एक नाम और है बच्चे आप कहना ये क्लेम है क्लेम है किसका ऑफ आउटसाइडर्स ओनर को छोड़ के बाकी सबको हम क्या बोलेंगे आपका आउटसाइडर्स एक क्लेम है आउटसाइडर्स का इन इन टोटल टोटल एसेट्स एसेट्स ऑफ ऑफ बिजनेस 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 आपका में भी प्रॉपर्टी है उसमें बाहर वालों का जो क्लेम होगा उसको हम क्या बोलेंगे लाइब्रेटी बोलेंगे आपका आप समझने वाली बात ये देखिए टोटल प्रॉपर्टी पैंतीस लाख रुपए की है पैंतीस लाख में से ओनर का क्लेम कितना जी पच्चीस लाख रुपए आपका पैंतीस लाख में लाइब्रेटी का क्लेम कितना जी दस लाख रुपए आपका

या कह दो क्लेम है आउटसाइडर्स का इन टोटल ऑफ बिजनेस आपका सर सर थोड़ा सा ये ये क्या था फिर से बताओ मैं आपको समझाता हूँ एक वर्ड लिखा था बच्चे टोटल ये इतना छोटा वर्ड नहीं है ये बहुत बड़ा वजन रखता है हमें इसको भी समझना पड़ेगा ये टोटल इफेट क्या बोलना चाहता है पता है मैं इनकी बात करता हूँ ये बैलेंस शीट देखो आप एक कहानी एक सवाल पूछता हूँ देखता हूँ कि उस सवाल का आप जवाब ठीक से दे पाते हैं मुझे विश्वास है बच्चे कि आप में से कोई भी बच्चा जवाब सही नहीं दे पाएगा ये आप ही कि नहीं ये तो एक बार क्वेश्चन सीए में भी पूछा था और बच्चों ने उल्टे सीधे काम किए थे सर बार बार सीए का नाम क्यों लेते हो इसलिए क्योंकि आपको समझना होगा कि अकाउंट्स का लेवल हमारे सी तक जाके एंड हो जाता है बच्चे वहां पर भी हमें इन सब कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है तभी हम बात कर पाएंगे अगर अच्छा मार्क्स लेना चाहते हैं तो जरा सुनना एक सवाल पूछता हूँ देखता हूं उस सवाल को आप प्रॉपर तरीके समझ पाते हैं और क्या जवाब आपका सही आता है ध्यान सुनना सवाल एक बार ही बोलूंगा दो बार नहीं ध्यान से मान लो ये कंपनी सचमुच में आपकी है मान लो ये कंपनी आपकी है, और आप आप इसके मालिक मालिक हो, इस कंपनी के मालिक आप हो मैं एक लेमन हूं मुझे अकाउंट्स नहीं आता मैंने आपका इस बैलेंस शीट को देखा और पूछा कि आपने इस बैलेंस शीट में कैपिटल लिखा है पच्चीस लाख इसका क्या मतलब है तो आपने मुझे एक मतलब समझाया बच्चे मैं सवाल रिपीट करता हूं ध्यान देना आपका ये कंपनी है और ध्यान दो अभी तक आपकी कंपनी में क्या क्या हुआ था मैं याद दिलाऊ हिस्ट्री कि पहले ऑनर ने पांच लाख रूपये कैश कॉन्ट्रीब्यूट किया था याद है ना आपको फिर ओनर ने बीस लाख रूपये की बिल्डिंग कॉन्ट्रीब्यूट किया था ये भी आपको याद है फिर बैंक वाले से आपने दस लाख रूपये का लोन लिया था ये भी आपको याद है और फिर आपने आठ लाख का मशीन परचेज किया था ये भी आपको याद है आपके बिजनेस में अभी तक सिर्फ इतनी बातें हुई हैं इनके सिव कुछ भी नहीं ये बैलेंस शीट लेकर आप बैठे हुए हो मैं एक लेन हूं मुझे अकाउंट्स नहीं आता मैं आपके पास आया और बोला कि एक बात बताओ आपने कैपिटल लिखा है पच्चीस लाख इसका क्या मतलब है मैंने पूछा कि आप जरा बताओ कि कैपिटल ट्वेंटी फाइव लैक्स का क्या मतलब है तो आपने यानी कि जो कंपनी का मालिक है मुझे एक मतलब समझा रहे हो आप जरा मुझे बताना कि जो बात मैं आपके बिहार पे बोलने वाला हूं वो सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं ध्यान सुनियो आपने कहा मतलब कंपनी के मालिक ने कहा कि देखो सर कैपिटल का मतलब है कि, है कि मेरा क्लेम इस कंपनी में पच्चीस लाख रुपए का है मेरा इन्वेस्टमेंट मेरा जो क्लेम है इस कंपनी में पच्चीस लाख रुपए का है जिसमें से पांच लाख रुपए मेरा कैश के रूप में है दिया था ना पांच लाख रुपए कैश आपने सर हां जी तो आपने कहा कि मेरा क्लेम पच्चीस लाख का है इनमें से पांच लाख रुपए मेरा कैश के रूप में है और बीस लाख रुपए मेरा बिल्डिंग के रूप में क्योंकि मैंने बिल्डिंग दिया था जरा मुझे ये बताओ कि अगर ये मीनिंग आपने मुझे समझाया कैपिटल का तो आपने सही समझाया कि गलत समझाया जरा मुझे बताओ आप देखता हूं क्या सही बोलते क्या गलत बोलते आप आपने सही बोला कि गलत बोला एक बार दोबारा सुनिए आपने कहा कि सर मेरा क्लेम इस कंपनी में पच्चीस लाख रुपए का है जिसमें से पांच लाख रुपए मैंने कैश दिया था जो कि कैश के रूप में है और बीस लाख रुपए के बिल्डिंग दिया था जो बिल्डिंग के रूप में है अगर ये मीनिंग आपने मुझे समझाया तो सही या गलत है सर ये तो सही समझाया सही है ना बच्चे पच्चीस लाख का आपका क्लेम है पांच लाख कैश बीस लाख की बिल्डिंग सही तो बताया आपने सही है गलत है। सर सही बट गलत है बच्चे आपने गलत बताया आंसर आपका ठीक नहीं है आपने शायद मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना अगर कोई बोलता है कि आप जब मैंने पूछा कि कैपिटल पच्चीस इसका क्या मतलब है तो पता आपने जो जवाब दिया ना उसका एक पार्ट तो सही था एक पार्ट आधा पार्ट लेकिन आगे का गलत है ध्यान दीजिए क्या आपने कहा कि सर मेरा क्लेम इस कंपनी में 25 लाख रुपए का है आपने बिल्कुल सही बोला कोई गलत काम नहीं लेकिन जो आपने आगे बोल दिया ना कि इसमें से 5 लाख मेरा कैश है 20 लाख की बिल्डिंग है ये आपको नहीं बोलना चाहिए था ये कैश ये बिल्डिंग ये मशीन जो है अब वो आपका नहीं बचेगा ये सब कंपनी का हो चुका है कंपनी का हो चुका है सिर्फ आपको बोलना था कि कंपनी की जो टोटल प्रॉपर्टी है ना पैंतीस लाख रुपए इस पैंतीस लाख रुपए में मेरा क्लेम कितना है पच्चीस लाख रुपए का आपको इसमें से अपना क्लेम बताना ना कि इनके ऊपर बताना जरा ध्यान सुनना हमने क्या लिखा था ये क्लेम है ओनर का इन टोटल एसेट्स एसेट्स ऑफ बिजनेस टोटल हमने टोटल की बात की थी हमने किसी पर्टिकुलर एसेट्स की बात नहीं की थी यानी कि आप नहीं कह सकते कि यार कैश मेरा बिल्डिंग आपका आपको पढ़ेंगे आपको ट्वेल्थ क्लास में एक चैप्टर आएगा रिजोल्यूशन वहाँ पे फर्म बंद हो जाएगी बच्चे बिजनेस बंद हो गया सारे बेच दिए जाएंगे और सारे बेचने के बाद हमारी कंट्री में कानून है कि पहले लाइब्रेटी वालों का पेमेंट होता है लाइब्रेटी का पेमेंट होने के बाद फिर मालिक का पेमेंट होगा अगर ऐसा ना हो तो पता क्या होगा आपका जो मीनिंग था उसका मतलब क्या है? कि अगर आप कहते हो कि मेरा कैपिटल पच्चीस लाख है जिसमें पांच लाख कैश है बीस लाख की बिल्डिंग है तो फिर आप लेके चले जाओगे फिर तो वो चीज आप लेके चले जाओगे फिर इनका पेमेंट कैसे होगा रूल क्या बोलता है कि अगर ये कंपनी बंद होती है तो सारी प्रॉपर्टी बेची जाएंगी प्रॉपर्टी बेच के पहले वालों का पेमेंट आपका होगा तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपने आपको देखो कैसे सोचना है सर कैपिटल कैपिटल क्या है तो का मतलब होता है कि बिजनेस में जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें ओनर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बस पच्चीस लाख खत्म होगी बात ओनर ये नहीं बोल सकता कि हाँ जी मेरा कैश है मेरा बिल्डिंग मेरा मशीन कुछ भी आपका नहीं है सब कुछ कंपनी का है कंपनी चाहे कुछ भी कर ले आपसे बताइए आपने कंपनी में कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है थोड़ा इसको दूसरे तरीके से समझते हैं रिलायंस कंपनी का कैपिटल कितना है मान लो पचास लाख रुपए मान लो पचास लाख क्या दिमाग में आपका आया पचास लाख यानी कि पचास लाख का कैश है पचास लाख की बिल्डिंग है पचास लाख का मशीन है तो गलत है बच्चे मतलब सिर्फ इतना हो चाहिए कि अच्छा रिलायंस कंपनी में ओनर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितना है पचास लाख रुपए का खत्म होगी बात आप नहीं कह सकते कि मेरा मशीन है मेरा बिल्डिंग कुछ भी आपका नहीं है सारी प्रॉपर्टी कंपनी की है

सर चलो ना आप मुझे बताओ जरा इनकम क्या होता है ये तो ठीक है समझ में आ गया इनकम का थोड़ा मुझे बताओ आइए मैं इनकम के ऊपर चलता हूं मुझे इनकम आप ही मुझे बताओ ना इनकम किसको बोलते हैं जरा मुझे बताइए इनकम क्या होता है हाँ जी इनकम क्या होता है सर वो प्रॉफिट इनकम होता है मैं कहा पूछ रहा हूं मैं बोला हूं कि इनकम को जरा समझाओ मुझे आप जैसे मैंने एक्सपेंस को समझाया लाइविटी कैपिटल एसेट्स उसी तरीके से इनकम को क्यों इनकम बोलते हैं आप तो सर थोड़ा आप ही बता दो ना चलो ठीक है मैं समझाता हूँ बच्चे कोई टेंशन की बात नहीं है आज के बाद आप इतने स्ट्रॉग हो जाएंगे कि आपको मैं क्या बताऊं आप, आपके पास सब कुछ रहेगा ये पांच वर्ड का बस दिमाग में कमांड आपका होना चाहिए प्रॉपर तरीके से आपका आई इनकम की बात करते इनकम की बात देखो जैसे एक्सपेंस के बारे में कहा गया था कि बेनिफिट लेना एक्सपेंस होता है कहा था ना सर हाँ तो बेनिफिट लेना अगर एक्सपेंस है तो इनकम के बारे में कहना कि बेनिफिट देना काम करना सर्विसेज को रेंडर करना वो हमारा इनकम होता है बेनिफिट लेना अगर एक्सपेंस है तो बेनिफिट देना अगर मैंने आपके लिए काम कर लिया अगर मैंने आपके लिए सर्विसेज रेंडर कर दिया अगर मैंने आपको पढ़ा दिया तो मेरा इनकम हो चुका है यहां कहा था बच्चे चाहे पैसा पे करो चाहे पैसा पे ना करो यहां कहोगे चाहे पैसा रिसीव करो चाहे पैसा रिसीव ना करो पैसा आना इनकम नहीं होता पैसा हजारों रीजन से आते बच्चे हजारों रीजन होते है पैसे आने के तो पैसा आना इनकम नहीं होता है। सर्विसेज को रेंडर करना इनकम होता है काम करना अगर मैं काम कर चुका तो इनकम मैं लिखता हूं थोड़ा सा फिर मैं इसको समझाऊंगा कहते हैं कि इफ सर्विसेज सर्विसेज कॉमा इट मीनस इसका मतलब है इट मीन्स इनकम हैज बिन अर्नड इनकम हैज बिन अर्नड इसका मतलब आपका इनकम हो चुका है फिर लिख रहा हूं मैं यहां पर इट डज नॉट मैटर इट डज नॉट मैटर ये मैटर नहीं करता वेदर डब्ल्यू एच ई टी एच ई आर वेदर पेमेंट पेमेंट हैज बिन हैज बिन रिसीव्ड और नॉट रिसीव और नॉट आपने पेमेंट रिसीव किया है या आपने पेमेंट रिसीव नहीं किया इससे इनकम को कोई मतलब नहीं है इनकम का मतलब होता है सर्विसेज को रेंडर करना अगर आपके लिए काम कर दिया गया तो इनकम हो चुका चलो मैं इसको समझाता हूँ तरीके से आपका ध्यान सुनिए आप मैं फिर से बात करता हूँ आयोसिम का आयोसिम बच्चे मैं इनकी बात करता हूँ कि आखिर ये इनकम कैसे रिकॉर्ड करते हैं इनका काम एजुकेशन के अंदर में ये बच्चों को पढ़ाते हैं और बस इनका यही काम आपका है तो मैं बता रहा हूं कि ये इनकम कैसे रिकॉर्ड करते हैं अच्छा <coughs> यहां पे एक बच्चे को किया। बोला बच्चे आ, आपका कोर्स खत्म तो चलते, 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 हो गया इनको हटाता हूं मैं। यहां कोर्स खत्म हो गया मतलब एक बच्चा यहाँ पे आया आयोसएम यानी कि मैंने क्या किया जी बच्चे को पढ़ाना शुरू किया पढ़ाते 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 यहाँ पे लाके कोर्स मैंने खत्म कर दिया जब कोर्स खत्म हुआ तो मैंने उस बच्चे से कहा कि देखो जी कोर्स खत्म हो गया फीस पे करो मैंने कहा कि कोर्स खत्म हो गया फीस पे करो जरा बताओ उस बच्चे ने मुझे क्या पे किया सर फीस पे किया फिर से गलत जवाब बचे अरे अगर आप फीस कहोगे तो मैं पूछूंगा देखा कभी कैसा होता है लाल पीला हरा काला नहीं सर हमने नहीं देखा है तो जवाब गलत है ना अगर मैंने कोर्स खत्म करा दिया अगर मैं बोलूं कि मैंने कोर्स खत्म करा फीस पे करो तो आपने पे क्या किया आपने कैश पे किया कैश पेसा. मैंने क्या रिसीव किया कैश रिसीव किया बच्चे पैसे मेरे पास आए मैं क्या करूंगा कि यहां पे आपसे जब मान लो कैश रिसीव किया तो टेन थाउजेंड से अपने कैश को बढ़ा दूंगा अगर मैंने कोर्स खत्म करा दिया एंड में बोला कि कोर्स खत्म हो गया फीस पे करो तो आपने मुझे क्या पे किया कैश पे किया मैंने क्या रिसीव किया कैश रिसीव किया आपको पता है ना कि कैश मेरा क्या होता है बच्चे ये तो एक एसेट्स होता है एसेट्स होता है ना तो कैश में बढ़ा दूंगा जब मेरे पास टेन थाउजेंड कैश आएगा ना तो अकाउंट्स दोबारा पूछेगा कि आपके पास ये कैश कैसे आया रीजन बताओ रीजन डबल एंट्री सिस्टम मुझे बताना होगा कि ये टेन थाउजेंड मैंने कैसे रिसीव किया आप ही मुझे बताओ ना इस टेन थाउजेंड के बदले में मैंने अपना सर्विसेज रेंडर कर दिया है या भी करना है मतलब मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया सर हाँ, सर आप तो पढ़ा चुके हो तो पता बचे जो पैसा चुका हूं रीजन तो के के है वो रीजन मेरा इनकम रिकॉर्ड किया जाएगा फिर मैं क्या करूंगा यहां पे अपने अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम में मैं अपना इनकम को बढ़ा दूंगा इनकम बढ़ा दूंगा अब देखो ना जैसे एक लड़का जिसके हजारों नाम है कभी राम कभी शाम कभी मोहन कभी सोहन उसी तरीके से आपका पे इनकम का भी हजारों नाम है जी कभी रेंट रेंटी कभी कमीशन कभी कभी फीस कभी सेल्स कई नाम से जानते हैं यहाँ पे मैं इसको किस नाम से जानूंगा फीस के नाम से कुछ भी तो नहीं है आया क्या मेरे पास कैश आया क्यों आया कैश रीजन बताओ तो हमने क्या बोला हमारा इनकम हो गया जी डबल एंट्री सिस्टम है रीजन बताना पड़ेगा उसके बिना अकाउंट्स काम करेगा का नहीं आपको यहाँ पे तो ये बातें निकल के आती है है ना कोई पूछे आपसे जरा बताओ इनकम का मतलब क्या होता है आप बोलना सर सर्विसेज को रेंडर करना इनकम होता है आप ये नहीं कहना कि पैसा रिसीव करना इनकम होता है गलत वर्ड हो जाएगा पैसा रिसीव करने के हजारों रीजन होते हैं बच्चे मैं बैंक से जाऊं लोन लेकर आऊं तो भी पैसा मेरे पास आएगा तो क्या चिल्लाऊंगा इनकम हो गया इनकम हो गया इस गलत वर्ड हो जाएगा इनकम यानी कि सर्विसेज को रेंडर करना पैसा आया या नहीं आया उसे कोई मतलब नहीं आपका काम करते मेरा इनकम हो चुका है अकाउंट इस पर टिका हुआ है इसी तरीके से हम पूरा अकाउंटिंग करते हैं आपका सर थोड़ा और समझाओगे क्यों नहीं मैं थोड़ा और इसको लेकर आता हूँ थोड़ा और डिटेल में आपका यहाँ पे मैं इससे मिटा दू आपके लिए सर हाँ जी तो ये लीजिए मैंने इसको मिटाया मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ बताता हूँ इनकम के बारे में हाँ जी मैं दोबारा बात कर रहा हूँ आयु सेम का आयु सेम आयु सेम ने क्या किया यहाँ पे एक बच्चे को एडमिट किया बोला बच्चे आओ आपके कोर्स को एंड कराएंगे कोर्स चला चलते 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 कोर्स यहाँ पे आके एंड हो गया सॉरी <coughs> मान लो कोर्स यहां पे खत्म हो गया जब कोर्स खत्म हुआ तो आयुषम ने कहा कि देखो जी कोर्स खत्म हुआ फीस पे करो बच्चे ने बोला कि सर कोर्स खत्म हो गया ठीक है मुझे पता है लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है मैं कुछ दिनों में आऊंगा और आपका पेमेंट कर दूंगा रिपीट करता हूं मैंने कोर्स तो खत्म करा दिया लेकिन जब बोला कि देखो जी कोर्स खत्म हो गया फीस पे करो तो बच्चे ने बोला कि सर कोर्स खत्म हुआ ठीक है अभी पैसे नहीं है कुछ दिनों में आऊंगा आपका पेमेंट कर दूंगा मेरा सवाल आपसे है कि जरा बताओ आज जिस दिन मेरा कोर्स खत्म हो गया जिस दिन मैंने कोर्स खत्म करा दिया अगर मुझे आज अकाउंट्स यहां बनाना है तो बताओ यहां पे आयुषम का ये इनकम रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा जरा सोच लो आप इनकम रिकॉर्ड रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा आपका मैंने बच्चे को पढ़ा तो दिया लेकिन पैसा रिसीव नहीं किया उस बच्चे ने कहा कि सर कुछ दिनों के बाद आऊंगा पेमेंट कर दूंगा तो आज मैंने पैसा रिसीव नहीं किया इनकम हुआ कि नहीं हुआ सर इनकम तो हुआ क्यों जी क्यों हुआ इनकम क्योंकि सर्विसेज रेंडर हो चुके हैं आपने बिल्कुल ठीक बोला बच्चे आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग होते चला जा रहा है आप समझ रहे इस बात को अरे कहा तो था कि सर्विसेज को रेंडर करना इनकम होता है सर्विसेज रेंडर हो गया इनकम हो गया क्योंकि कोर्स खत्म हो चुका है इनकम हो चुका आपका तो आयुषम क्या करेगा यहां पे टेन थाउजेंड से फीस जो कि उसका इनकम है वो बढ़ा देगा इनकम हो चुका है कोर्स मैंने खत्म करा दिया लेकिन क्या पैसा रिसीव किया नहीं सर पैसा तो नहीं आया ओ अब मैं क्या करूं अगर मैं पैसा रिसीव कर लेता इसके बदले में तो कैश मेरे पास आ जाते हैं अगर मैंने पैसा नहीं रिसीव किया तो मेरे पास यानी कि कंपनी के पास उस बच्चे से पैसा रिसीव करने का एक राइट क्रिएट हुआ है राइट अधिकार मुझे पैसा लेना है मेरे बच्चे अकाउंट्स जो है ना कहता है कि अगर आपके पास कोई राइट आएगा कोई अधिकार आएगा तो उसको भी क्या करेंगे आप यहां पे अपना एसेट्स बोलेंगे ये भी आपका एसेट्स है। तो पता मैं क्या करूंगा तो बढ़ाऊंगा और साथ ही साथ बढ़ाओगे? बढ़ाओगे आप? तो आप मान लो उस बच्चे का नाम एक्स है मान लो उस बच्चे का नाम एक्स है तो मैं क्या करूंगा जी? का नाम लिख दूंगा? कि मुझे एक से पैसा रिसीव करना है? यही काम करूंगा ना इनकम तो मेरा हो चुका है इनकम दिखाऊंगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अगर पैसा आ जाता तो मैं कैश बढ़ा देता अगर पैसा रिसीव नहीं किया तो मेरे पास एक राइट क्रिएट हुआ है कि मुझे पैसा रिसीव करना है उस बच्चे का फिर नाम लिखूंगा बैलेंस शीट में कि मुझे आपसे पैसा लेना है जी। अब सोचो ना आप इतने अच्छे बच्चे हैं अगर एक बच्चा तो मैं नाम लिख दू यहां पर अगर मान लो मेरे पास हजार बच्चे हैं तो नाम कैसे लिखूंगा क्योंकि यहां तो फिर एंट्री भी करना जी बहुत दिक्कत आएगा आपने पढ़ा है ना अकाउंटिंग इज एन आर्ट अकाउंटिंग एक कला है फिर पता अकाउंट्स क्या बोलता है आप नाम मत लिखो आपने जितने बच्चों से पैसा रिसीव करना है ना उन बच्चों के नाम लिखने के बजाय आप कह दो यहां पे एकुरूड। एकुरूड। एकुरूड या फिर आप आउटस्टैंडिंग भी कह सकते हैं दोनों का मीनिंग सेम होता है टेंशन नहीं है तो आप कहेंगे और कौन सा इनकम कौन सी इनकम फीस तो आप इसको बोलेंगे फीस के नाम से यहां पे। आप कह देंूड फीस आपका हो गया ध्यान दीजिए कोर्स खत्म हो चुका है मैंने पढ़ा दिया मेरा इनकम होगा इनकम मैं रिकॉर्ड करूंगा अगर मैंने पैसा रिसीव कर लिया तो कैश बढ़ जाएगा अगर पैसा रिसीव नहीं किया तो मैं क्या करूंगा जी फीस को दिखाऊंगा यह मेरा राइट है अधिकार है मुझे आपसे पैसा लेना है और ये कोई नई बात नहीं है आप जरा याद करो आप ग्यारहवीं क्लास से करते आ रहे हो गुड्स अगर बेचो कैश पे तो आपका कैश बढ़ जाता है गुड्स बेचो अगर क्रेडिट पे तो आप डेटर्स को बढ़ाते हैं बैलेंस शीट में डेटर्स मेरे बच्चे डेटर्स तब यूज करोगे जब बात गुड्स की होगी जब बात सर्विसेज की होती है सर्विसेज की है, तो हम बोलते हैं इनकम कह कह दो दो आउटस्टैंडिंग मीनिंग सेम है दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे आपका तो इस तरीके से अकाउंटिंग आपका होता है देखो ना आपको अच्छा लगेगा सर इनकम क्या है सर्विसेज रेंडर करना अगर सर्विसेज रेंडर हो चुके तो इनकम हो चुका पैसा रिसीव हुआ तो भी ठीक है अगर पैसा रिसीव नहीं हुआ तो भी ठीक है जी पैसे से क्या फर्क पड़ता है इनकम होता है काम करना काम करना सर्विस रेंडर करना बच्चे अभी अब छोटे बच्चे हैं सर ये सब बातें कहाँ लिख हुई है जब थोड़े थोड़े बड़े होंगे ना तो आप जैसे जैसे बड़े बड़े होकर पढ़ाई करोगे आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी लेकिन अकाउंट्स वेट नहीं करता कि आप बड़े होंगे तब सीखेंगे वो चाहता है कि जो बच्चा ग्यारहवीं क्लास से इस कॉन्सेप्ट को समझ गया वही बड़ा सपना देख सकता है अदरवाइज पता नहीं कैसे कैसे सपने आते हैं कितने लोगों ने आत्महत्या कर लिया बच्चे कि यार अकाउंट्स पता नहीं क्या क्या नहीं खेल है ये छोटा सा अगर हम जितने अच्छी तरीके से खेलेंगे हमें मजा निकल के आएगा मैं तो खेलता हूँ मैं तो आज तक सिर्फ अकाउंट्स को खेला जी और कुछ नहीं आपका सर ठीक है फिर हम भी खेलना चाहते हैं तो फिर खेलना नहीं एक टफ क्वेश्चन पूछता हूँ टफ नहीं बहुत सिंपल क्वेश्चन है और जो चीज़ मैंने आपको समझाया उसी के अंदर उसका एंसर छिपा हुआ है लेकिन मुझे विश्वास है आप में से एक, -एक बच्चा गलत ही बताने वाला है मुझे पता है ना आइए मैं आपको प्रूफ करता हूँ यहाँ पे अगला एक सवाल पूछता हूँ जी ये सवाल भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है देखता हूं कि आप इसका जवाब दे पाते कि नहीं दे पाते मुझे विश्वास है कि आपका गलत ही होगा फिर भी देखता हूं देखता हूं कौन वो बच्चा है जो सही करता है कौन सही जवाब देता है देखता हूं अगर आप सही जवाब देंगे तो आप घर से बाहर निकलोगे ना आप देखोगे जितने लोग आपके बगल से गुजर रहे हैं, सब गिनना शुरू हो जाएंगे एक आंधी निकलेगी आपके अंदर से वो शक्ति है बच्चे जो आपको बहुत बना रही है वो शक्ति है। आई, शक्ति फील कर रहे आइए अकाउंट्स की देखते हैं आपका थर्ड पॉइंट क्या निकल के आता है ध्यान सुनेंगे क्वेश्चन एक ही बार कहूंगा दो बार नहीं आप है आयुषम छोड़ो आप आयुषम कंपनी की बात कर रहा हूं आयुषम ने क्या किया यहां पे एक बच्चे को एडमिट किया ध्यान सवाल सुनना आपके लिए देखता हूं जवाब सही या गलत देते हैं आप। कराएंगे। लेकिन मुताबिक पेमेंट आपको एडवांस में ही करना पड़ेगा ओहो यानी कि बच्चा जब आया ना बच्चे उसी टाइम पे आईओसए ने क्या किया टेन थाउजेंड उस बच्चे से कैश रिसीव कर लिया आपको पता है कि कैश हमारा क्या होता है एसेट्स होता है आईओसएम ने क्या किया जी यहाँ पे उस बच्चे से स्टार्टिंग में पहली क्लास के अंदर आप एंट्री हुए और उसी टाइम पे क्या हुआ हमने टेन थाउजेंड आपसे कैश रिसीव कर लिया जरा मुझे ये बताओ कि अगर आपके आते ही मैंने आपके पॉकेट से टेन थाउजेंड कैश था। ले लिया कि हाँ जी ये मेरा फीस है तो जरा बताओ आज आयो इसको अपना इनकम रिकॉर्ड करेगा कि नहीं करेगा सोच लो जरा सोच लो कि अगर मान लो आयो एक बच्चा आज मेरे क्लास में आता है और आते हैं उसे एडवांस में स्टार्टिंग में हमने टेन थाउजेंड कैश रिसीव कर लिया कैश मेरे पास आ चुका बच्चे पैसे मेरे पास आ चुके हैं पैसा मेरे पॉकेट में है आप मुझे बताओ कि आज ये मेरा इनकम रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा जरा सोचना सर पैसे तो आ चुके हैं फिर तो इनकम हो गया इनकम हुआ ना बच्चे सर हाँ पैसे तो आ चुके कैसी बात करते हो आप अरे भूल गए अभी बताया था मैंने ये देखो जरा हमने कहा था कि अगर सर्विसेज रेंडर हो चुके हैं अगर सर्विसेज रेंडर हो चुके तो ही इनकम कहा जाएगा पैसा आपके पास आया है या नहीं आया इसे कोई मतलब नहीं है आप मुझे बताओ ना आप मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे सर्विसेज रेंडर हो चुका है क्या मैं आपको पढ़ा चुका क्या कोर्स खत्म हो चुका नहीं सर यहां तो आपने पढ़ाया नहीं आप तो पैसा स्टार्टिंग में रिसीव कर लिए तो मेरे बच्चे आज इस पैसे को अपना इनकम नहीं कह सकता आज वो मेरा इनकम नहीं है पैसा तो आया है बट इनकम नहीं है तो सर कहेंगे क्या ठीक से बताओ ना बच्चे आज ना वो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर में इनकम नहीं वो ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड होगा ओहो मेरे ऊपर में एक ऑब्लिगेशन आ गया कि मुझे आपका कोर्स खत्म कराना है जब तक मैं आपके कोर्स को खत्म ना करा दूं तब तक मैं इनकम नहीं कह सकता तो आज जो टेन थाउजेंड कैश मेरे पास आया है ना वो मेरा इनकम नहीं है

आज तो मैं उसको लाइब्रेरी कहूंगा और अगर आप इस लाइब्रेरी का नाम पूछोगे तो मैं इसको कहूंगा एडवांस फीस फीस नहीं एडवांस फीस या तो मैं कह दू इसको एडवांस फीस यानी कि एडवांस में रिसीव के वो फीस आपका या फिर इसका नाम दे सकता हूं और मैं कह सकता हूं अनअर्न्ड फीस नहीं किया काम नहीं किया बस रिसीव कर लिया तो आप इसको एडवांस नहीं कह सकते हैं -paid नहीं। paid, वो तो या तो आप एडवांस कहें या कहेंड आपका इनकम फीस आप प्रीपेड नहीं कहें पेड एक्सपेंस के लिए होता है हम इनकम की, की बात कर रहे हैं तो या तो एडवांस फीस तो या, तो या फिर अर्ड फीस और भी कई सारे नाम होते हैं हम देखेंगे चैप्टर के साथ आपका क्या निकल के आएगा तो ये ये वर्ड्स देखो कितने अच्छे निकल के आते हैं अच्छा एक छोटा सा जादू और दिखाऊ मैं आपको अच्छा भी लगेगा आज जो कैश कैश मेरे पास आया है है ना इस को हमने क्या बोला ये हमारी एक है। क्योंकि मैंने कोर्स खत्म नहीं कराया जरा देखो अकाउंट्स कैसे काम करता है इस समय चला चलते 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 साल का एंड हो गया मैंने कोर्स खत्म करा दिया जरा मुझे ये बताओ कि जब कोर्स आपका खत्म करा दूंगा तो क्या आप मुझे दोबारा पेमेंट करोगे क्या पैसा मेरे पास दोबारा आएगा बच्चे नहीं सर क्योंकि आपने मुझे पैसा पहले दे दिया था पैसा आप दे चुके आप दोबारा पेमेंट नहीं करोगे तो फिर कोर्स खत्म हो जाने के बाद आईओसएम के बुक्स में क्या चेंज आएगा चेंज क्या आएगा स्लोली सुनना अच्छा लगेगा कहना कि देखो ये जो कैश आया था ना इस कैश को आपने यहां पे लाइब्रेरी रिकॉर्ड किया था लाइब्रेरी ऑब्लिगेशन था कोर्स खत्म होने के बाद आपका ऑब्लिगेशन ख़त्म हो गया लाइब्रेटी खत्म हो गई और आपका इनकम बढ़ जाएगा सर इनकम क्यों क्योंकि मैंने कोर्स खत्म कर दिया बच्चे सर्विस रेंडर हो गया तो पता मैं क्या करूंगा यहां पे ये यह जो एडवांस फीस है ना एडवांस फीस जो लाइब्रेटी था मैं इस लाइब्रेटी को अकाउंट से हटा दूंगा ये लाइब्रेटी मेरी ख़त्म हो जाएगी और मैं यहाँ पे फीस को बढ़ा दूंगा फीस यानी कि मैं अपना इनकम बढ़ा दूंगा खत्म होगी बात कुछ भी तो नहीं है पांच वर्ड पे सब कुछ दिखा हुआ जी आपका यहाँ पे आपका हमने बोला कि जो कैश आया तो उसको लाइब्रेरी का हो जब कोर्स खत्म करा दिया लाइब्रेरी खत्म करके मैं इनकम को बढ़ा दूंगा एक एन चैप्टर था आपका उसमें एक सब्सक्रिप्शन पॉइंट था पता नहीं वो क्या आप उल्टे सीधे काम करते थे अगर आपने ग्यारहवीं क्लास में पढ़ा होगा तो कई सारे स्कूल में उस चैप्टर को छुड़ा दिया जाता है कि नहीं ये बच्चे समझ में नहीं, नहीं नहीं, समझ पाएगा कुछ भी नहीं है सिर्फ कॉन्सेप्ट है अगर इस पांच वर्ड पे प्रॉपर तरीके से आपके मास्टरी तो फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी और याद रखना जिन जिन चैप्टर को आपने एलेवं क्लास में छोड़ा था जैसे कि रेक्टिफिकेशन हो गया सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया एनपीओ आपका हो गया आपका ये सारी चीजें आप अंत तक आपको रिपीट की जाएगी आप चाहे बी करो चाहे आप बीबीए करो चाहे आप सी करो चाहे सी करो चाहे सीएमए करो सब जगह रिपीट किया जाएगा बच्चे क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि यहीं पे बच्चे का कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है तो मैं चाहता हूं कि आप स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्ट काम कीजिए आपको अच्छा लगेगा अगर हम तरीके से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉग करेंगे तो फिर बहुत मजा निकल के आएगा चलिए अगली क्लास में मिलेंगे आपसे और कुछ और अच्छी बातें डिस्कस करेंगे उन बातों को समझने के बाद आपका को करना। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा अगर आपने बातों को इंटरप्रेट किया है तो अदरवाइज परेशानी क्रिएट होगी बच्चे चलिए आज के लिए ऑल द बेस्ट नेक्स्ट टाइम मिलते हैं बाय बाय टाटा और फिर अगली क्लास में हम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे थैंक यू